हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटेक्स। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को बैंड अच्छे से कंप्लीट करेगा। बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कम्प्लीट करते हैं। सो देखिए, ये फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग टू पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। कुछ ये आपको इंट्रोडक्शन दिए हुए एग्जाम से रिलेटेड, जो कि आपको पूरे अच्छे से रीड करने होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं, हमारा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पहले हमारे इसमें ना ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है, पूरा आपको ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करना है पार्ट ए में, देन आपको पूरा प्रोज एंड पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे इसमें इलुकिडेट होमोनिम्स विद टू एग्जाम्पल, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है इलुकिडेट होमोनिम्स विद टू एग्जाम्पल। तो होमोनिम्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। होमोनिम्स में भी वर्ड्स विद आइडेंटिकली प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, सच एज जैसे कि टू हो गया हमारा टू और टू। देखिए, हमारा प्रोनाउंसिएशन तो तीनों वर्ड्स का एक ही है, ठीक है। एंड टू किसके लिए यूज होता है, को किसी के लिए हम अगर कोई यूज़ करते हैं तो टू लगाते हैं। और टू ये हो गया कि बहुत टू मच बहुत ज़्यादा होता है ना, कि टू मच या टू वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या टू हम बहुत के लिए भी यूज़ करते हैं। और टू मतलब दो, किसी भी न्यूमेरिकल को मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग हम टू को यूज़ करते हैं, ठीक है। बट होमोनिम्स का मतलब यही होता है कि वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तो एक होता है बट उसकी स्पेलिंग एंड मीनिंग दोनों डिफरेंट होती है। ओके, तो ऐसे जैसे कि आपके काफ़ी वर्ड्स आते हैं आपके इसमें, जैसे फ्लोर एंड फ्लावर, तो उसमें भी प्रोनाउंसिएशन तो कम कुछ में कुछ सिमिलर है बट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग है। ओके, तो होमोनिम से यही होता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि होमोफोन्स विद टू एग्जाम्पल। होमोफोन्स क्या होता है, होमोनिम्स और होमोफोन्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो होमोफोन्स के बारे में आइए देख लेते हैं। जैसे कि होमोफोन्स आर स्पेल्ड साउंड एग्जैक्टली द सेम बट स्टिल हैव डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं उसके जैसे मीनिंग तो अलग अलग होते हैं बट वर्ड्स एक ही होते हैं, ठीक है। होमोफोन्स का मतलब यही होता है, वर्ड्स तो एक ही होते हैं बट मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे ये रोज क्या है, फ्लावर के लिए यूज होता है, बट ये रोज एक और रोज होता है जो कि पास्ट टेंस होता है राइस का, मतलब राइस मतलब उगना, मतलब सूरज का उगना होता है ना, तो उसके लिए राइस रोज एंड राइजन होता है ना, तो रोज हमारा क्या है, पास्ट टेंस हो गया। तो उसका मतलब यही है कि स्पेलिंग तो एक ही होती है बट इसका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है बट जो उसका मीनिंग होता है वो अलग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हमारा होमोफोन्स कहते हैं। ओके, आई होप कि होमोफोन्स और होमोनिम्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ईयर ट्रांसलेट दीज वर्ड इन टू इंग्लिश, तो उत्सव को क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन, हम किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव हमारा फंक्शन भी कह सकते हैं। ओके, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब किसी चीज़ का ट्रेनिंग करना, अगर हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, किसी चीज़ का ट्रेनिंग करना, या मतलब कि आर्मी वगैरह में ट्रेनिंग में जाते हैं ना, पुलिस की ट्रेनिंग हो गई या किसी भी अदर मतलब फील्ड की ट्रेनिंग हो गई, तो वो हमारा प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, हमारा ट्रांसलेट दिस वर्ड इनटू हिंदी में आपको सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है। एंड डिजर्ट का क्या मतलब होता है, डिजर्ट मतलब कोई भी मीठी चीज़ है ना, डिजर्ट मतलब लोग कहते हैं खाने के बाद, कहीं रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं तो हम लोग मतलब कहीं पे हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग डिजर्ट भी ऑर्डर करो, तो मीठा मतलब खाने के बाद कुछ मीठा ऑर्डर करना ही हमारा डिजर्ट कहलाता है। ओके, एंड नेक्स्ट आया है इसमें आपको रौनक मेड अ क्रैकिंग जोक, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको बताना है। तो रौनक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड क्रैकिंग को जोक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सुमित इट्स मैंगो, सुमित इट्स मैंगो के बारे में आपको पूछा गया है कि सुमित इट्स मैंगो, आइडेंटिफाई वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बताना है इसमें। तो वर्ब, तो सुमित क्या कर रहा है, मैंगो को खा रहा है ना, क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो खाने का एक्शन हमारा क्या कहता है, एक्शन इज अ वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम कर रहे होते हैं, जो क्रिया हम करने की कोशिश मतलब करते हैं, वो हमारा ईट्स मतलब खा रहा है, वो ईट्स कर रहा है, तो हमारा ये क्या है, हमारा वर्ब है। और मैंगो क्या है, वो क्या चीज़ खा रहा है, मतलब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड अवनी गो टू प्रयाग, ट्रांसलेट इन टू हिंदी, अवनी क्यों प्रयाग गई थी, इसके बारे में आपको बताना है, इसका हिंदी बनाना, या तो इसको ये बोल सकते हैं अवनी प्रयाग क्यों गई थी, ठीक है। व्हाई डिड अवनी गो टू प्रयाग, तो इसका हिंदी हो जाएगा अवनी प्रयाग क्यों गई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट है तरुण क्या पढ़ रहा था, ट्रांसलेट इन टू हिंदी, व्हाई वाज तरुण रीडिंग, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक।
एंड नेक्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में दोगे कि श्रेया ऑलरेडी रीडिंग अ बुक द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, करेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको करेक्ट फॉर्म बताना है। वैसे तो मैं बताऊंगी बट आपको इसका कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर पिन करूंगी, बट आप लोग को पहले इसका बताना है एंड देन बाद में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये एक आपको है ना, बाकी सारे तो मैंने आपको बता दिए हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन मार्क, क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मार्क का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ के हम अपने भावों को, इमोशंस को, मतलब प्रोटेक्ट, मतलब हम अपने, जब भी हम किसी इमोशंस या फीलिंग को किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं तो हमारा जो मार्क, मतलब लास्ट में ना एक पंक्चुएशन मार्क, मतलब ऐसे करके ऐसे जो लगाते हैं वो हमारा होता है एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो मतलब ये जो फीलिंग्स हो गए, शोरो हो गया, मतलब हम अपने बारे में जो भी, मतलब जो दिख नहीं सकता है, जो हमारी फीलिंग्स जो दिख नहीं सकती, तो उसमें हम ये सब पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपको सारे क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, इसमें आपको ना क्वेश्चन 5 करने हैं तो मैंने 5 ही बताए हैं, बाकी तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। एंड जिस भी चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं वो सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने, ओके। एंड पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ शॉ स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा पहले का आंसर क्या है, तो देखते हैं। Through the speech is the speaker wants to clarify that speaking English is essential and speaking correct English is unnecessary. Shaw says if one is able to communicate this through thoughts and ideas, it is enough. One can begin with broken English and English without grammar. तो आपको इसके बारे में पूरा सेंट्रल आइडिया देना है, तो इसके बारे में आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप टेलीग्राम पे मैसेज करके मेरे से ले लेना, ठीक है। वहाँ से मांगना आपको मिल जाएगा, मैसेज करना, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होइए, वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सो एंड द नेक्स्ट इसमें दिया है कि व्हाट हैपेंड द प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूली वेनर एंड रिटर्निंग बैक टू दिल्ली के बारे में बतानी है, एंड व्हाट डज गांधी मीन बाई इसके बारे में है, एंड हु इज द ऑथर ऑफ द नाइटिंगेल, तो इसका आंसर हो जाएगा, एंड आपका इसका आंसर है रक्सिन जी, नहीं हमारा नाइटिंगेल दिल्ली का लिखा था, ठीक है। एंड पूरे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत पूरे बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, एंड मैं आपको अगर नहीं आएगा तो टेलीग्राम पे शेयर कर दो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम पे शेयर करो, आंसर सारे मिल जाएंगे, वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, ओके। एंड द नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इसमें अनसीन पैसेज दिया हुआ है, इसमें आपको अनसीन पैसेज कंप्लीट करना है, ठीक है। रामायण के बारे में दिया, रामायण आप लोग आई होप देखे होगे, कोरोना काल में रामायण पूरा दिया हुआ था तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, तो काफ़ी कुछ नॉलेज होगा उसके बारे में, एंड नहीं होगा तो थोड़ा सा उठा के पढ़ लेना रामायण के बारे में। एंड हु इज़ किडनैप इन द रामायण, रामायण में कौन किडनैप हुआ था, माता सीता किडनैप हुई थी उस टाइम में, है ना, रावण जी ने किडनैप किया था, ठीक है। हु हैज़ द रावण क्विज द रेस्क्यू सीता, कौन राम के साथ, मतलब हनुमान जी ने रेस्क्यू किया था, ठीक है, सीता जी को ढूंढने के लिए। एंड हु इज़ द मेन विलन इन रामायण, मेन विलन कौन था, रावण था, है ना। राइट डाउन द सम थीम्स एक्सप्लोर्ड इन रामायण, आपको कुछ कुछ लिखना है जो आपने एक्सप्लोर किया है रामायण के अंदर, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। तो बाकी सारे तो मैंने बता ही दिए, आपको थोड़े से खुद भी करने हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट सी में, हमारे कुछ लेटर राइटिंग लिखनी है और आपको कुछ इसमें लेटर भी लिखना है, दो आपको दिया है इसमें आप एक कर लेना, ठीक है। और इसमें कुछ पैराग्राफ भी लिखना है टॉपिक पे, आवर नेशन, आवर इलेक्शन पे लिखना था, द क्लाइमेट चेंज पे, इलेक्शन इस पे है तो इसलिए इलेक्शन पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो उसके बारे में इसलिए पूछा है। एंड द क्लाइमेट चेंज के बारे में बताइए, क्लाइमेट चेंज तो एक कंपल्सरी आपका आना ही आना है, एंड इलेक्शन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। सो एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट टेलीग्राम पर शेयर करके पूछ सकते हो। सो चैनल पर अगर नया हो गए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा।